हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ जेंट्स स्वेटर के लिए ये केबल वाला डिज़ाइन, और ये आप जेंट्स के किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। जो भी आप स्वेटर बना रहे हैं जेंट्स के लिए, कार्डिगन स्वेटर किसी पर भी आप इसको डाल सकते हैं। ये 18 फंदों का है, बीच में जो केबल बनी हुई है ये पूरा 18 फंदों का है, और ये चार और चार इधर मैंने उल्टे फंदे रखे हैं। साइड में आप चाहें तो सीधे फंदे रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें केबल डाल सकते हैं, सिंगल केबल। अभी मैंने इसमें सीधे फंदे डाले हैं, ऐसी बताऊंगी मैं इसको अभी सीधे फंदों के साथ। और जहाँ से मैं शुरू करूंगी वो पहली लाइन होगी, वहीं से शुरू करना है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है जब मैं ऐसे डिज़ाइन बताती हूँ, यहाँ से शुरू करती हूँ, तो कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं स्टार्टिंग से नहीं बता रही हूँ। लेकिन ये स्टार्टिंग होती है जहाँ से मैं शुरू करती हूँ, डिज़ाइन आपका वहीं से शुरू होता है, आपको फर्स्ट लाइन से वहीं से शुरू करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिगनर्स भी बना सकते हैं इजीली इसको। तो पहली लाइन से देखिए, आपको ऐसे ही करना है, शुरू की लाइन जो है ऐसे ही करनी है। शुरू में मैंने 6 फंदे सीधे रखे हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 6 या 8 आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको आपका डिज़ाइन चाहिए। तो 6 फंदे मैं स्टार्टिंग में सीधे कर रही हूँ, 6 4 8 आप कितने भी रख सकते हैं इनको। और अब ये 4 फंदे उल्टे, यहीं से आपका डिज़ाइन शुरू होगा। ये 4 फंदे उल्टे करने हैं इस डिज़ाइन से पहले, तो 4 फंदे उल्टे कर लिए। अब जो ये 18 फंदे हैं इनमें केबल बनेगी, तो पहले अभी इनको सीधे सीधे बनाएंगे, 18 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे के बाद 18 फंदे सीधे बनाने हैं। छ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, फिर 4 फंदे उल्टे। तो ये जो 18 फंदों का डिज़ाइन है, उसके आसपास जो हैं दोनों साइड 4 4 फंदे उल्टे होने चाहिए। बाकी आप अपने सीधे फंदे साइड में चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे। 6 फंदे मैं सीधे कर रही हूँ, 4 फंदों के बाद 6 फंदे सीधे। ये पहली लाइन हो गई। उल्टी लाइन में आपको जो जैसा दिखेगा उसको वैसे ही बनाना है, जहाँ पे सीधा दिखेगा वो सीधा और जहाँ पे उल्टा दिखेगा वो उल्टा। देखिए 6 फंदे उल्टे, क्योंकि उधर से मैंने वो सीधे बनाए हैं तो इधर से उनको उल्टा बनाना है। और 4 फंदे सीधे, क्योंकि उधर ये फंदे उल्टे हैं तो इधर सीधे आ रहे हैं 4 फंदे। उल्टी लाइन है ये, उल्टी लाइन जितनी भी आप करेंगे ऐसी ही करनी है। जहाँ पे ये उल्टे दिख रहे हैं, ये 18 फंदे तो उल्टे ही बनेंगे, उधर से सीधे हैं। बाकी जो जैसा दिख रहा है सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बनाना है हर बार। ये 18 फंदे उल्टे ही जाएंगे। फिर 4 फंदे सीधे, फिर ये 6 फंदे उल्टे। ये उल्टी लाइन हो गई। फिर देखिए दूसरी लाइन भी वैसी करनी है। टोटल हमें 4 लाइन अभी ऐसी ही और करनी है, जैसे मैंने ये वाली बनाई है। तो आप टोटल 4 लाइन कर लेंगे, एक उल्टी एक सीधी, एक उल्टी एक सीधी और करनी है, उसके बाद हम इस केबल को ट्विस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी ये 2 लाइन बताई हैं, वैसी आपको अभी 4 लाइन करनी है, एक उल्टी एक सीधी करके 4 लाइन।
देखिए ऐसी करनी है, चार लाइंस, एक फंदा उतारा, ये छह फंदे मैं सीधे बना रही हूँ स्टार्टिंग में, प्लेन रखना है इनको। और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, 18 फंदे सीधे, और चार फंदे उल्टे, फिर छह फंदे सीधे। ऐसे आपको चार लाइन बनानी है, तो एक ये हो गई, एक इसकी जो उल्टी वाली लाइन आएगी, और उसके बाद दो और बनानी है, उसके बाद हम ये केबल ट्विस्ट करेंगे। तो ऐसी प्लेन प्लेन हमें चार लाइन बनानी है, जैसे मैंने अभी बताई है। तीन मैंने बता दी, दो अभी और करनी, तीन अभी और करनी है, एक इसके बाद वाली जो ये उल्टी है, और इसके बाद दो लाइंस और। तो मैं करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इस केबल को ट्विस्ट करते हैं। उल्टी लाइन में जैसा दिख रहा है वैसी बनाना है। तो ये देखिए मैंने चार लाइन कंप्लीट कर ली है इसकी। अब हमें केबल को ट्विस्ट करना है, तो देखिए इस लाइन से हम कैसे करेंगे। शुरू से छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, दो तीन चार। अब ये जो 18 फंदों का हमने डिज़ाइन बनाया है उसमें हमें केबल ट्विस्ट करनी है, तो धागा देखिए पीछे कर देंगे। और आपके पास ऐसी गले बुनने वाली जो सिलाई होती है इस तरह से डबल पॉइंटेड जो होती है इस तरीके की, या फिर केबल निडिल होगी वो आप ले लीजिए। और छः फंदे इस पे उतार देंगे, शुरू के 18 फंदों में से छः फंदे इस पे उतार देंगे। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे इस पे उतारे और इनको ऐसे ही आगे की तरफ छोड़ दिया ऐसे करके। अब जो धागा हमने पीछे किया हुआ है ऐसे करके, उससे हम छः जो आगे के छः फंदे हैं, इन छः फंदों के बाद वाले जो छः फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे बना लिए। अब इस वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो हमने उतारे हुए फंदे हैं, जो ये उतारे हुए फंदे हैं, इसको इस तरीके से लेंगे ऐसे करके, और अब इनको हम इन छः फंदों को सीधा बना लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा हाथ ढीला रखिएगा तो ये अच्छे से बन जाएगा आपका। एक दो तीन चार पाँच और छः, और ये इस तरीके से ये केबल यहाँ पे ट्विस्ट हो गई। अब जो बाकी के छः फंदे हैं उनको सीधा बना, ऐसी प्लेन बनाएंगे सीधा सीधा छः फंदे, चार फंदे उल्टे, फिर छः फंदे सीधे, जो प्लेन फंदे हैं साइड में वो छह फंदे सीधे।
तो ये केबल देखिए इस तरीके से ट्विस्ट हो गई है ऐसे करके। अब उल्टी लाइन जो जैसा जहाँ पे दिख रहा है उल्टी लाइन वैसी बनेगी, हर बार जब भी उल्टी लाइन आएगी वैसी बनेगी, जहाँ पे उल्टे फंदे दिख रहे हैं वो उल्टे, सीधे फंदे दिख रहे हैं वो सीधे। चार फंदे सीधे हैं, और 18 फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, छह फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी केबल ट्विस्ट की, एक लाइन हमने उल्टी कर ली है। अब यहाँ से चार लाइन हमें और सीधी सीधी करनी है। उसमें जैसा मैंने पहला बताया था कि ये जहाँ पे दिख रहा है जैसा छह फंदे सीधे बनाने हैं, चार फंदे उल्टे, अठारह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अठारह फंदे सीधे सीधे बनाए, फिर चार फंदे उल्टे, छः फंदे सीधे। तो तीन लाइन ऐसी और बनानी है, जैसे ये वाली बनी, फिर इसके बाद वाली उल्टी लाइन जहाँ पे जैसा दिखेगा उल्टी लाइन सारी वैसी होंगी, और फिर दो लाइन और। तो टोटल ये चार लाइन बनानी है, जैसे मैंने अभी बताया ये एक हो गई, इसके बाद की उल्टी दो और दो और एक सीधी एक उल्टी, उसके बाद हम फिर से दूसरी केबल ट्विस्ट करेंगे। तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ, ऐसे ही बनाना है इसको। ये केबल जो हमने ट्विस्ट की थी उसके बाद इसकी चार लाइन कंप्लीट करने के बाद, अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग से तो वैसे ही करना है, छः फंदे सीधे बनाने हैं, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। तो छः फंदे आप जो प्लेन रख रहे हैं उनको वैसे ही बनाना है, और चार फंदे उल्टे भी हर बार वैसे ही बनेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो वैसे ही बनाना है उसको। चाहे आप सीधी लाइन बना रहे हैं या केबल ट्विस्ट कर रहे हैं, ये जो फंदे शुरू में बन रहे हैं वो वैसे ही बनेंगे, चार फंदे उल्टे। अब चार फंदे उल्टे करने के बाद, पहले हमने ये वाली केबल ट्विस्ट की थी यहाँ पे शुरू में, तो अब इन छः फंदों को सीधा बनाना है, दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे सीधे बना लिए। अब इसके बाद के जो छः फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, इस वाली केबल पे उतार के हम इनको पीछे रखेंगे। ये ध्यान रखिए जब हम शुरू की केबल करते हैं, यहाँ पे जो हमने ट्विस्ट की थी उसमें हम फंदे उतार के आगे की साइड रखते हैं, इसमें जो ये छः फंदे उतार रहे हैं ये पीछे की साइड रख रहे हैं। अब ये जो छः फंदे हैं इनको पहले बना लेंगे हम इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच और छः, बाद के छः फंदे बना लिए। अब जो हमने उतारे हुए फंदे हैं उनको भी हम बना लेंगे। तो चाहे तो आप इसको ऐसे करके उतार के बना सकते हैं इस वाले पे, ऐसे पहले इनको उतार लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, ये उतारे, और आप इनको भी ऐसे बना लेंगे, एक एक करके बनाएंगे इनको सीधा, एक दो तीन चार पाँच और छः। तो ऐसी ये देखिए आपकी केबल ट्विस्ट हो गई है,
और ऐसे ही आपका डिज़ाइन कंटिन्यू होता हुआ जाएगा ऊपर तक। चार फंदे फिर उल्टे, एक दो तीन चार, और फिर छह फंदे सीधे, तीन चार पाँच और ये छह। उल्टी लाइन जैसे मैंने बताई है जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसी, ये 18 फंदे उल्टी साइड से उल्टे ही आएंगे, और जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टी साइड से सीधे, और जो सीधे फंदे हैं वो जैसा दिख रहा है वो अपने आप ही पता चल जाता है कहाँ पे कैसा बनाना है। तो उल्टी लाइन देखिए हर बार ऐसी ही आएगी, जितनी बार आप उल्टी लाइन बनाएंगे उल्टी लाइन वैसी ही आएगी हर बार, प्लेन बनाना है इसको। छह फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, और 18 फंदे उल्टे। चार फंदे फिर सीधे और ये छह फंदे उल्टे। अब देखिए उल्टी लाइन कर ली है, उसके बाद देखिए उसको फिर से, अब देखिए इस उल्टी लाइन करने के बाद हमें आठ लाइंस बनानी है सीधी सीधी, जैसे मैंने बीच में बताई थी। छह फंदे ये सीधे बनेंगे, चार फंदे उल्टे, 18 फंदे सीधे, फिर छह चार फंदे उल्टे, छह फंदे सीधे, ऐसी करके हमें आठ लाइंस बनानी है ये वाली केबल ट्विस्ट करने के बाद। तो इसको ट्विस्ट करने के बाद हम आठ लाइन का गैप रखते हैं, फिर हम जैसे हमने शुरू की लाइन में इसको ट्विस्ट किया था, शुरू के केबल जो हमने ट्विस्ट की थी वैसी ही हमें ट्विस्ट करनी है। तो देखिए आपको आठ लाइंस ऐसे सीधा सीधा बनाना है गैप देने के लिए इनको। छह फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, दो तीन चार, फिर 18 फंदे सीधे, फिर चार फंदे उल्टे, और छह फंदे सीधे लास्ट में। तो ऐसे ही करके आठ लाइंस बनानी है। जो इसके बाद पहले हम चार लाइन बनाएंगे, फिर जो चार लाइन आएंगी वहां से आपका जो डिज़ाइन है वो रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जब हम केबल को ट्विस्ट कर लेते हैं, शुरू की जो केबल होती है उसके बाद चार लाइंस बनती हैं, फिर दूसरी वाली केबल ट्विस्ट होती है उसके बाद आठ लाइंस बनती हैं, फिर से केबल ट्विस्ट होगी, तो आपका जो डिज़ाइन है ऐसे ही रिपीट होता हुआ जाएगा। तो इसकी आठ लाइंस बना के मैं दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये केबल जो हमने स्टार्टिंग में ट्विस्ट की थी वो हमने कैसे किया था। तो एक लाइन मैंने बना ली है, एक उल्टी सीधी उल्टी करके आठ लाइंस इसकी बननी है, उसके बाद ये फिर से ये डिज़ाइन जो हमने यहाँ पर ट्विस्ट किया था वैसे ही इसको फिर से करेंगे। अब देखिए आठ लाइंस इस केबल को ट्विस्ट करने के बाद, आठ लाइंस करने के बाद इसको फिर से अब शुरू में जो हमने केबल ट्विस्ट की थी वैसे ही करना है। छह फंदे सीधे, शुरू में छह फंदे सीधे और चार फंदे उल्टे,
अब शुरू की जैसे हमने केबल ट्विस्ट की थी वैसे ही हमें करना है इसको। उसके लिए सबसे पहले हम इन फंदों को, चार फंदे उल्टे के करने के बाद हमें ये केबल ट्विस्ट करनी है। तो सबसे पहले के जो छः फंदे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, वो हम इस वाली डबल पॉइंटेड नीडल पे उतार लेंगे। इस पर आसान होता है बनाना। तो छः फंदे उतारे, अब पहले छः फंदे बनाए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। पहले 6 फंदे बनाए। अब जो हमने फंदे उतारे हुए हैं उनको हम इस तरीके से करेंगे, इस वाली निडिल पे ही बुनेंगे हम इनको। पहले इसी पे रहने देंगे और ऐसे ही बुनेंगे इनको, ऐसे करेंगे इसको, इस साइड पे ले आएंगे और अब इनको भी इस पे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब बाकी के 6 फंदे भी बना लेंगे। ये डिज़ाइन का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब डिज़ाइन फिर से हम वही कर रहे हैं जो हमने शुरू से किया था, जो हमने केबल ट्विस्ट की थी वही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो केबल है वो बनती भी जाएगी, चार फंदे उल्टे ही आएंगे और अब 6 फंदे सीधे। उल्टी लाइन जैसे मैंने बताई है, जहाँ पे जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाना है। तो इसी तरीके से आपका डिज़ाइन रिपीट होता हुआ जाएगा ऊपर तक और ऐसी आपकी केबल बनती भी जाएगी इस तरीके से। पहली केबल जब हम ट्विस्ट करते हैं उसके बाद ये उल्टी लाइन बनाएं, फिर चार लाइन बनाते हैं, तब दूसरी वाली केबल ट्विस्ट करते हैं, फिर जब दूसरी ट्विस्ट करेंगे एक लाइन उल्टी बनाएंगे, उसके बाद 8 लाइंस का गैप रख के फिर से ऐसी वाली केबल ट्विस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने शुरू से बताया है वैसी बनाएंगे तो ये आपका ऐसा बनता हुआ जाएगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।